सिक्सथ वे ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज बाय ब्रीच अच्छा ब्रीच करना मतलब वायोलेट करना मतलब हमने कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो नहीं किए हमने टर्म्स एंड कंडीशंस को तोड़ा है तो उसको ब्रीच बोला जाता है एंड हाउ मेनी वेज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू एक्चुअल ब्रीच एंड एंटीसिपेटरी ब्रीच अच्छा ये दोनों में डिफरेंस क्या है एक्चुअल ब्रीच इज डन ऑन द डेट ऑफ परफॉर्मेंस एंड एंटीसिपेटरी ब्रीच इज डन प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस हमने थर्टी फर्स्ट को सोनू निगम को अपॉइंट किया था थर्टी फर्स्ट को सोनू निगम आया नहीं तो उन्होंने ब्रीच कब किया ऑन द डेट ऑफ परफॉर्मेंस तो उसको क्या बोला जाएगा दैट इज़ अ एक्चुअल ब्रीच और अगर थर्टी फर्स्ट को सोनू निगम को अपॉइंट किया ट्वेंटी सेवन्थ को उन्होंने फोन करके मना कर दिया कि भाई मैं आने वाला नहीं हूँ तो उसको क्या बोला जाएगा दैट इज़ अ एंटिसिपेटरी ब्रीच उन्होंने पहले से इन्फॉर्म कर दिया परफॉर्मेंस के डेट और टाइम पर ब्रीच होगा तो एक्चुअल और अगर उससे पहले ब्रीच होगा तो एंटिसिपेटरी ठीक है एक्चुअल ब्रीच में अगर सोनू निगम ने ब्रीच किया है तो मैनेजर के पास एक ही ऑप्शन है वो कॉन्ट्रैक्ट को सिंपली क्या करेंगे कैंसिल पर एंटिसिपेटरी ब्रीच में मैनेजर के पास दो ऑप्शन हैं या तो आप कॉन्ट्रैक्ट को ट्वेंटी को ही क्या कर दो कैंसिल करो या तो फिर आप चाहो तो वेट कर सकते हो वेट कब तक कर सकते हो थर्टी तक शायद सोनू निगम आके परफॉर्म करते अच्छा वैसे तो सोनू निगम ने मना कर दिया है कि मैं आने वाला नहीं हूं पर हम एफर्ट्स कर सकते हैं उसको कन्विंस करने के लिए तो ये एफर्ट करने का टाइम हमारे पास किस सिचुएशन में अवेलेबल है एंटीसिपेटरी ब्रीच में एंड बोथ टाइप्स ऑफ ब्रीच एक्चुअल और एंटीसिपेटरी कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड एक्सप्रेस मतलब बाय वर्ड्स और इम्प्लाइड मतलब बाय बिहेवियर ठीक है अच्छा एक्चुअल ब्रीच एक्सप्रेस कैसे होगी सोनू निगम ने थर्टी फर्स्ट को फोन करके बोल दिया कि मैं आने वाला नहीं हूँ दैट इज एक्सप्रेस और एक्चुअल ब्रीच इंप्लाइड कैसे होगी सो so, थर्टी फर्स्ट को सोनू निगम आया नहीं सो दैट इज इम्प्लाइड कैन एंटिसिपेटरी ब्रीच भी एक्सप्रेस हाँ ट्वेंटी सेवन को उसने फोन करके इन्फॉर्म कर दिया ये एक्सप्रेस है क्या एंटिसिपेटरी ब्रीच इम्प्लाइड हो सकती है हाँ दो दिन पहले वर्ल्ड टूर पर चला गया दो दिन पहले वर्ल्ड टूर पर चला गया मतलब अब वो आने वाला नहीं है सेम डेट और टाइम पे उसने किसी और सिटी में किसी और प्रोड्यूसर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया मतलब वो हमारे यहाँ आने वाला नहीं है सो दैट इज अंटिसिपेटरी ब्रीच विच इज़ इम्प्लाइड नेक्स्ट सरिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसने ब्रीच किया है सोनू निगम ने तो उसके लिए रेमेडीज किसके पास अवेलेबल है मैनेजर के पास सफरिंग पार्टी इज मैनेजर तो मैनेजर को लॉ में कुछ राइट्स दिए गए हैं उनको रेमेडीज बोला जाता है हाउ मैनी रेमेडीज अवेलेबल टोटल फाइव फर्स्ट वन इज रेसिशन अच्छा रेसिशन वर्ड हमने ऑलरेडी पढ़ा रेसिशन मतलब कैंसिल करना तो यहाँ पे मैनेजर सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट को क्या करेंगे कैंसिल और फिर मैनेजर को जितना भी लॉस हुआ है वो लॉस किससे रिकवर करेंगे सोनू निगम से बाय फाइलिंग अ सूट फॉर डैमेजेस पहले कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करेंगे एंड देन ही विल फाइल अ सूट फॉर डैमेजेस अच्छा जो डैमेजेस है वो मैनेजर के लिए इनफ नहीं है रेप्यूटेशन लॉस हुआ है ऑडियंस ने उनको बहुत तंग किया है तो उस सिचुएशन में मैनेजर कैन डिमांड अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मतलब क्या सोनू निगम थर्टी फर्स्ट को नहीं आए पर कोर्ट से ऑर्डर करवाया जाएगा कि आपको नेक्स्ट मंथ टेंथ को मैनेजर के यहाँ परफॉर्म करना पड़ेगा दैट इज नोन एज अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और ध्यान रखना स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट कब फाइल होगा वेन डैमेजेस आर नॉट इनफ मतलब डैमेजेस हमारे लिए इनफ नहीं है डिमांड कौन करेगा पार्टी मैनेजर और ऑर्डर कौन करेगा कोर्ट एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी अ पॉजिटिव एक्ट पॉजिटिव क्यों बिकॉज यहाँ पे जो परफॉर्मेंस होने वाला था वही परफॉर्मेंस फिर से करने के लिए ऑर्डर पास हुआ है इसीलिए उसे बोला जाता है इट इज़ अ पॉजिटिव एक्ट फोर्थ रेमेडी अवेलेबल इज सूट फॉर इंजक्शन अच्छा इंजक्ट करना मतलब किसी को रोकना और यहाँ पे किसको रोका जा रहा है पार्टी को पार्टी को रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है इसीलिए इसे बोला जाता है नेगेटिव एक्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और इंजेक्शन में क्या डिफरेंस है कोर्ट से ऑर्डर करवाया कि सोनू निगम को टेंथ को मैनेजर के यहाँ परफॉर्म करना पड़ेगा उसको बोला जाएगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और कोर्ट से ऑर्डर करवाया कि उस दिन सोनू निगम कहीं और परफॉर्म नहीं कर सकता उसको बोला जाएगा सूट फॉर इंजेक्शन सो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और इंजेक्शन में क्या डिफरेंस है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में परफॉर्म करने के लिए ऑर्डर पास हुआ है दैट्स वाई इट इज पॉजिटिव और इंजक्शन में कहीं और परफॉर्म करने से मना किया है दैट्स वाई इट इज़ नेगेटिव अदरवाइज दोनों का ऑर्डर कौन पास करेगा कोर्ट बोथ है टू बी डिसाइडेड बाय कोर्ट एंड फिफ्थ वन है सूट फॉर क्वान्टम मैरिट क्वान्टम मैरिट भी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया क्वांटम मैरिट मीन्स एज मच एज अंड मतलब जितना काम हुआ है उतना पेमेंट करना पड़ेगा तो मैनेजर ने जितने भी एक्सपेंसिस इंकर किए हैं अब वो पूरा रिकवरी किससे करेंगे सोनू निगाम से अच्छा सोनू निगम ने क्या किया है ब्रीच किया है इसीलिए मैनेजर के पास क्या अवेलेबल है रेमेडीज अवेलेबल है कितनी रेमेडीज पांच सबसे पहले मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करेंगे रेसेशन फिर जितना भी लॉस हुआ किससे डिमांड करेंगे सोनू निगम से बाय फाइलिंग अ सूट फॉर डैमेजेस और अगर डैमेजेस इनफ नहीं है तो फिर तो सोनू निगम को परफॉर्म करना पड़ेगा दैट इज सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और उस टाइम पे वो कहीं और परफॉर्म नहीं कर सकता दैट इज सूट फॉर इंजक्शन एंड लास्ट वन इज कॉन्टर्म मैरिड मैनेजर के पास कितनी रेमेडीज अवेलेबल फाइव सेकेंड रेमेडी हमने पढ़ी सूट फॉर डैमेज अब कितने टाइप के डैमेजेस रिकवरेबल है जो हम रिकवर कर सकते हैं फाइव टाइप ऑफ डैमेजेस जिसमें से फर्स्ट वन इज ऑर्डिनरी डैमेज ऑर्डिनरी डैमेज का दूसरा नाम है जनरल डैमेज ये हर सिचुएशन में अराइज होगा नॉर्मली इट अराइज इन एवरी सर्कमस्टांस और ये फाइन कैसे करेंगे इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ये मार्केट प्राइस और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का डिफरेंस है एंड इट इज़ अ मैटर ऑफ राइट मतलब ये हमारा राइट right है ठीक है एग्जाम्पल लेते हैं कि ए ने बी को बोला था मैं आपको गुड्स सप्लाई करूंगा एट रुपीज हंड्रेड अब ए ने बी को वो गुड्स सप्लाई नहीं किए ठीक है तो बी ने क्या किया वही गुड्स उसको मार्केट में से परचेज करने पड़े और बी ने वो मार्केट में से परचेज किए वन ट्वेंटी रुपीज़ में तो बी को कितना लॉस हुआ ट्वेंटी रुपीज़ का इस ट्वेंटी रुपीज़ को हम क्या बोलेंगे ऑर्डिनरी डैमेज हर सर्कमस्टांस में अराइज होगा और इसको हमने फाइंड कैसे किया इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और क्या ये ट्वेंटी रुपीज़ बी का राइट right है हाँ इट इज़ अ मैटर ऑफ राइट आप इजिली ऑर्डिनरी डैमेजेस डिमांड कर सकते हो सेकेंड टाइप ऑफ अ डैमेज स्पेशल डैमेज अच्छा स्पेशल डैमेज है ना नॉर्मल सर्कमस्टांसेज में नहीं आएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस स्पेशल केसेस में अराइज होगा और अगर आपको कुछ स्पेशल कुछ एक्स्ट्रा मांगना है तो आपको पहले से पार्टी को उसके बारे में बताना पड़ेगा तो इंपॉर्टेंट है स्पेशल डैमेजेस मस्ट बी ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड बिटवीन द पार्टीज एंड इट इज नॉट अ मैटर ऑफ राइट मतलब नॉर्मली जो डैमेज मांगना है वो मांगो कुछ एक्स्ट्रा मांगना है तो पहले से बताना पड़ेगा और अगर कॉन्ट्रैक्ट में आपने इसके बारे में मेंशन नहीं किया तो आप स्पेशल डैमेज डिमांड नहीं कर सकते बिकॉज ये आपका राइट right नहीं है ठीक है थर्ड वन इज ए नॉमिनल डैमेज अच्छा नॉमिनल नाम से पता चल जाना चाहिए स्मॉल मिनिमम तो नॉमिनल डैमेज में कैसे अमाउंट क्लेम किया जाता है मिनिमम अमाउंट और कैसे क्लेम किया क्यों मिनिमम अमाउंट बिकॉज देर इज नो एक्चुअल लॉस मतलब एक्चुअली कोई लॉस हुआ नहीं है अच्छा हम डैमेज क्यों, क्यों क्लेम करते हैं लॉस के लिए पर इस सिचुएशन में लॉस नहीं हुआ है फिर भी डैमेज मांग रहे हैं कैसे मैनेजर ने किसको अपॉइंट किया सोनू निगम आया नहीं आया नहीं आया, नहीं आया। उसकी जगह पर अरिजीत सिंह को अपॉइंट किया ऑडियंस आ गई ज़्यादा आ गई तो एक्चुअली मैनेजर को कोई लॉस हुआ नहीं पर फिर भी सोनू निगम ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है तोड़ा है तो उनको एक स्मॉल अमाउंट तो पे करनी पड़ेगी तो उस स्मॉल अमाउंट को बोला जाता है नॉमिनल डैमेज नॉमिनल डैमेज के लिए दूसरे वर्ड्स यूज होते हैं रुपी वन रुपी टेन डैमेज दस रुपये या एक रुपये का डैमेज क्यों दस रुपये, एक रुपये बोला जाता है बिकॉज नॉमिनल इसमें हमारा लॉस मांगने का इंटेंशन नहीं है ब्रीच हुआ इसलिए स्मॉल अमाउंट आपको पे करनी पड़ेगी ठीक है तीन डैमेजेस कंप्लीट हुआ हमारे ऑर्डिनरी स्पेशल एंड नॉमिनल फोर्थ टाइप ऑफ अ डैमेज इज अंडिक्टिव डैमेज अच्छा विंडिक्टिव डर अवॉइडेड बाई वे ऑफ पनिशमेंट यहाँ पे हमारा इंटेंशन होता है सामने वाले को पनिश करना पैसा नहीं चाहिए पर पनिश करना है और दो केसेस में अलाउड है ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी मतलब शादी करने का वादा किया और फिर उसको ब्रीच किया तोड़ दिया तो सोसाइटी में उस पर्सन की प्रेस्टीज इफेक्ट होगी तो इसीलिए उनको जो प्रेस्टीज इफेक्ट हुआ है वो सामने वाले को डैमेजेस पे करवाएंगे और कौन से डैमेजेस पे करने पड़ेंगे विंडिक्टिव डैमेजेस इसमें हमारा इंटेंशन है सामने वाले को पनिश करना एंड सेकेंड वन इज रोंगफुल डिसऑनर ऑफ द चेक अच्छा रॉन्गफुल डिसऑनर है रॉन्गफुल डिसऑनर मतलब हमारे अकाउंट में बैलेंस है फिर भी बैंकर ने हमारे चेक को बाउंस कर दिया तो इस डिसऑनर को क्या बोला जाएगा रॉन्गफुल डिसऑनर तो क्लाइंट के सामने हमारी इमेज खराब होगी या नहीं हां तो पनिश करना है किसको पनिश करेंगे बैंकर को तो अब बैंकर को कौन से डैमेजेस पे करने पड़ेंगे विंडिक्टिव डैमस ठीक है विंडिक्टिव डैमेजेस का दूसरा नाम है एग्जैम्पलरी और विंडिक्टिव डैमेजेस दो ही केसेस में अलाउड है ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी एंड रॉन्ग फुलिसऑनर ऑफ चेक बाय द बैंकर एंड फिफ्थ टाइप ऑफ अ डैमेज इज डैमेज कैसा डैमेज है लिक्विडेटेड लिक्विडेटेड मतलब पार्टीज फिक्स सर्टन अमाउंट विच इज पेबल इन केस ऑफ ब्रीच एंड अमाउंट इज ऑलरेडी एस्टिमेटेड मतलब पार्टीज ने पहले से डिसाइड कर लिया है उन्होंने एस्टिमेट कर लिया है कि अगर ये मुझे गुड्स नहीं देगा तो मुझे टोटल दस हज़ार का लॉस होगा तो दस हज़ार के लॉस की अमाउंट उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में फ़िक्स कर दी तो ये प्री एस्टिमेटेड अमाउंट जो फिक्स की जाती है कॉन्ट्रैक्ट में उसको बोला जाता है लिक्विडेटेड डैमेजेस ठीक है अच्छा ऐसा पॉसिबल है कि दस हज़ार का लॉस एस्टिमेट किया और कॉन्ट्रैक्ट में पचास हज़ार का अमाउंट फिक्स करें टेन थाउजेंड एस्टिमेटेड लॉस और फिक्स करें फिफ्टी थाउजेंड पॉसिबल है या नहीं हाँ वो फिफ्टी थाउजेंड की अमाउंट क्या है पता है दैट इज़ पेनल्टी पेनल्टी और लिक्विडेटेड डैमेज में डिफरेंस है पेनल्टी में हमारा इंटेंशन है सामने वाले को पनिश करना और लिक्विडेटेड डैमेज में हमारा इंटेंशन है लॉस रिकवर करना तो लॉस रिकवर करना इंटेंशन है तो हम कितनी अमाउंट फिक्स करेंगे जितना लॉस होने वाला है और पेनल्टी में पनिश करने का इंटेंशन है तो वहाँ पे अमाउंट हमेशा कैसे होगा लॉस से ज़्यादा फॉर एग्जाम्पल सोनू निगम नहीं आया दस हज़ार का लॉस हुआ कितने का दस हज़ार फिर भी सोनू निगम से कितना मांग रहे हैं फिफ्टी थाउजेंड क्यों फिफ्टी थाउजेंड मांग रहे हैं उसको पनिश करने के लिए ताकि वो दोबारा ऐसा ना करे तो उस फिफ्टी थाउजेंड के अमाउंट को क्या बोला जाएगा पेनल्टी ठीक है डैमेज में हमारा इंटेंशन है लॉस रिकवर करना और पेनल्टी में हमारा इंटेंशन है सामने वाले को पनिश करना ठीक है एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में रिमोट डैमेज अलाउड नहीं है ये याद रखना रिमोट मतलब फार ऑफ दूर के डैमेजेस जिसका कॉन्ट्रैक्ट से अभी रिसेंटली कुछ लेना देना नहीं है तो वो जो फ्यूचर में डैमेज अराइज होगा ना फ्यूचर में लॉस होगा वो अभी आप डिमांड नहीं कर सकते उसको बोला जाता है रिमोट डैमेजेस डैमेजेस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कितने टाइप के अलाउड है पांच ऑर्डिनरी स्पेशल नॉमिनल विंडिक्टिव लिक्विडेटेड इसके अलावा डैमेजेस अलाउड नहीं है सो पार्टी के नॉट क्लेम रिमोट डैमेजेस इफ यू लाइक दिस वीडियो शेयर इट विद फ्रेंड्स Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.